दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ भारत की पहले वनडे मैच में ऐतिहासिक जीत देखकर पूरा क्रिकेट जगत खुशी से झूम उठा, तो वहीं टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े खिलाड़ियों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें तो मिर्ची लग गई और फिर अब भारत को नीचा दिखाते हुए उन्होंने जहर उगलते हुए भारत पर जो कह दिया, सुनकर तो आपका भी खून खौल जाएगा। तो आखिर बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान, यहां तक कि नसीम शाह और शाहीन अफरीदी ने क्या कुछ भारत की जीत पर कहा, क्यों उन्होंने टीम इंडिया का उड़ाया मजाक, उन सब के चौंका देने वाले बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के बाद अब वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। दोनों के बीच पहला वनडे मैच कोलंबो के मैदान पर खेला गया। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो श्रीलंका के पक्ष में गिरा, लेकिन उनके लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की फिरकी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। श्रीलंका की पूरी टीम भारत के सामने 50 ओवर में केवल 230 रनों का लक्ष्य 8 विकेट खोकर दे सकी। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए रोहित शर्मा और गिल दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं रोहित तो छक्के और चौके के साथ टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। भारत का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ रहा था। दोनों बल्लेबाजों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था, घातक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो अपना प्रचंड रूप दिखाकर केवल 35 गेंद में ही अर्धशतक ठोक दिया। दोनों पवेलियन लौट गए। फिर मैदान पर श्रेयस अय्यर और विराट कोहली ने मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि भारतीय टीम को जीत की काफी करीब पहुंचा दिया। फिर अंत में राहुल और अक्षर पटेल ने मिलकर मैदान पर कुछ ऐसा किया और भारतीय टीम को पहले वनडे में कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। हर कोई रोहित शर्मा की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग की तारीफ करने लगा। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क देश पाकिस्तान टीम इंडिया की श्रीलंका के खिलाफ जीत देखकर हैरान हो गया। उन्हें तो मिर्ची लगने लगी, उनके बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भारत की जीत पर ऐसा जहर उगला जिसे सुनकर हर कोई दंग हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको इन सभी खिलाड़ियों का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ भारत की जीत पर कहा है। बाबर आजम ने बयान देते हुए कहा कि भारत की टीम कितनी खतरनाक है ये तो आज हमने अंदाजा लगा लिया। गौतम गंभीर ने बेहतरीन कोचिंग दिखाई, वहीं रोहित शर्मा ने भी अच्छी कप्तानी की बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। वैसे तो श्रीलंका जैसी टीम को हराना बहुत आसान है, दम हो तो हमें हराकर दिखाए। श्रीलंका जैसी टीम से जीतना बहुत आसान है, इनके घमंड को तो हम चूर चूर कर देंगे। वहीं मोहम्मद रिजवान ने कहा कि रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी दिखाई, अकेले दम पर भारत को जीत की तरफ बढ़ाया। मैं जितनी भी तारीफ करूं इनकी कम है, लेकिन श्रीलंका जैसी टीम को हराकर वाहवाही लूटनी नहीं चाहिए। श्रीलंका बहुत कमजोर टीम है, हिम्मत हो तो चैंपियंस ट्रॉफी में हमें हरा कर दिखाए, हम असली औकात भारत को दिखा देंगे। वैसे भी भारत की टीम कुछ खास नहीं है, गंभीर सर की कोचिंग की वजह से टीम ने यह जीत दर्ज की है। साथ ही साथ नसीम शाह भारत की जीत पर हैरान होते हुए बयान दिया और कहा कि मैच देखकर मैं पूरी तरह से हैरान हो चुका था, मैं तो श्रीलंका की जीत का जश्न मना रहा था लेकिन अचानक भारतीय बल्लेबाजों ने मैच को पलट दिया, यह कैसे हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आया। रोहित शर्मा ने शानदार कप्तानी दिखाई, गंभीर सर ने अच्छी कोचिंग दी जिसकी वजह से टीम ने जीता, वरना श्रीलंका की टीम बेहद मजबूत है, भारत काफी कमजोर नजर आ रही है। रोहित कोहली को हर कोई मिस कर रहा है, उनकी कमी टीम को खल रही है। शाहीन अफरीदी ने भी अजीबोगरीब बयान देते हुए कहा, श्रीलंका को हराना बहुत आसान है, टीम इंडिया ने आसानी से हरा दिया, हिम्मत हो तो हमें हरा कर दिखाए, हमारे गेंदबाज तो हर बल्लेबाजों के धज्जियां उड़ा देंगे, हमारी टीम बेहद मजबूत है, मैं खुद एक एक बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखा दूंगा। लेकिन रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी की, गंभीर सर ने बेहतरीन कोचिंग का नजारा दिखाया, टीम को तैयार की, अच्छी प्लेइंग 11 बनाई, वरना श्रीलंका यह मुकाबला भी जीत जाती। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से भारतीय टीम की जीत देखकर पाक खिलाड़ी हैरान हो गए और उन्हें मिर्ची लगने लगी, अजीबोगरीब बयान देने लगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी में कौन है सबसे बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, सच में रवि बिश्नोई जैसा महान गेंदबाज और खिलाड़ी कोई नहीं है। जी हां, पहले अपनी खतरनाक गेंदबाजी से टीम इंडिया को लंका के खिलाफ जिताया, फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेते हुए जो किया, ये नजारा देखकर पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम करने लगा। तो आखिर क्यों अचानक सूर्य कुमार यादव के छुए रवि बिश्नोई ने पैर, ये नजारा देखकर कैसा था खुद सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन, कैसे गुरु और शिष्य की परंपरा का पालन करते हुए रवि
रवि बिश्नोई झुक गए सूर्य कुमार यादव के चरणों में। इन दोनों के बीच हुए उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन बेहतर कप्तान है, कॉमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, बैक टू बैक भारत और श्रीलंका मैच खेलने के लिए आमने सामने एक बार फिर दूसरे T20 मैच में पल्ले खेले के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया, लेकिन पहले मैच की तरह इस मुकाबले में भी श्रीलंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके। रवि बिश्नोई और अक्षर पटेल की खतरनाक फिरकी के साथ साथ हार्दिक पांड्या की करिश्माई गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम भारत के सामने 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 161 रनों का लक्ष्य दे सकी और भारत के सामने छोटा सा टारगेट दिया। जैसे ही भारतीय टीम इसका पीछा करने के लिए उतरी, तुरंत मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद लंबे समय तक मैच को रोक दिया जाता है और दोनों अंपायर्स ने मिलकर डिसीजन लिया कि ये मुकाबला 8 ओवर का खेला जाएगा और भारत को जीत के लिए 78 रनों की जरूरत होगी। मैदान पर उतरते ही यशस्वी जायसवाल ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया। संजू भले ही बिना खाता खोले पवेलियन चले गए, लेकिन उनका साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भरपूर दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी पवेलियन चले गए और अंत में हार्दिक पांड्या ने अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए चौके छक्के लगाकर भारतीय टीम को 1-7 विकेट से ऐतिहासिक जीत दिला दी और इसी के साथ भारतीय टीम ने 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया। इसके बाद टीम इंडिया की जीत का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजने लगा था, हर तरफ तारीफें होने लगी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय टीम के जीतने से ज्यादा चर्चा एक ऐसे लम्हे की हुई जिसने तो हर किसी को हैरान कर दिया। जी हाँ, जब रवि बिश्नोई को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया, उसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव उन्हें बधाई देने के लिए आते हैं। उस दरमियान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। जी हाँ, सूर्य कुमार यादव रवि बिश्नोई को बधाई देने के लिए उनके पास जाते हैं, तभी रवि बिश्नोई उन्हें देखकर तुरंत उनके पास पहुँचे और जाते ही बिना कुछ सोचे समझे सूर्य कुमार यादव के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने लगते हैं। ये नजारा देखकर तो सूर्य कुमार यादव की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी तुरंत सूर्य कुमार यादव रवि बिश्नोई का कंधा पकड़कर उन्हें उठाते हैं और दिल से गले लगाकर पीठ थपथपाते हुए उन्हें बधाई देते हैं। फिर ये दोनों काफी वक्त तक मैदान में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। सूर्य कुमार यादव उन्हें कुछ नए नए टिप्स भी देते नजर आते हैं, लेकिन तब तक इन दोनों के बीच हुए इस खूबसूरत लम्हे का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। रवि बिश्नोई ने गुरु और शिष्य के परंपरा का पालन करते हुए सूर्य कुमार यादव के पैर छूकर हर किसी का दिल जीत लिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा में कौन सबसे बेहतर कप्तान है, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों। सूर्य जैसा कोई नहीं, अब अपने पति के लाजवाब बल्लेबाजी देखकर उनकी बीवी देविशा तो जश्न मनाने पर मजबूर हो गई और सूर्य की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए कह दिया कुछ ऐसा, सुनकर आप भी इन दोनों की जोड़ी पर फिदा हो जाएंगे। तो आखिर कैसे सूर्य कुमार यादव ने अपनी घातक बल्लेबाजी से श्रीलंका के गेंदबाजों को धोया, कैसे सूर्य कुमार यादव के तूफान में उड़ गए श्रीलंका के खूंखार गेंदबाज, कैसे इंडिया की पारी को सूर्य कुमार यादव ने संभाला, अपने पति के बल्लेबाजी पर पत्नी देविशा ने ऐसा कौन सा दिल जीत लेने वाला बयान दिया, ये तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच पल्ले केले इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला T20 मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें क्या पता था यह फैसला श्रीलंका के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होगा, क्योंकि पहले भारतीय ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने मिलकर मैदान पर तांडव मचाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने तो श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी, दोनों ने अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। दोनों के पवेलियन जाने के बाद सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया, भारत के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। सूर्य कुमार यादव का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हसरंगा से लेकर पतिराना यहां तक कि फर्नांडे हर गेंदबाजों की बेरहमी से कुटाई की और भारत को मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। अपनी कप्तानी में टीम इंडिया को आक्रामक अंदाज में संभालते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों को खूब कूटा और सूर्य कुमार यादव ने अपने बल्ले से हर किसी का दिल जीत लिया।
सूर्यकुमार यादव का बल्ला बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था और देखते ही देखते उन्होंने पहले ऋषभ पंत के साथ मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बनाई और फिर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए केवल 22 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया। 13 ओवर में ही भारत के स्कोर 150 रनों के पार पहुंच गया, लेकिन 26 गेंद में खतरनाक छक्के और 8 चौके की मदद से 58 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सूर्यकुमार यादव की तूफानी बल्लेबाजी देखकर पूरा हिंदुस्तान खुद ही से झूठ। वहीं भारतीय खेमा भी खड़े होकर तालियां बजाने लगा। वहीं उनकी पत्नी देविशा भी उनके बल्लेबाजी पर खुशी से झूम उठी।